जंतर मंतर पर कल करीब 200 किसान कर सकते हैं प्रदर्शन, पुलिस की निगरानी में पहुंचेंगी बसें। सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, कहा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र के गलत फैसलों ने 50 लाख लोगों की ली जान। ममता बनर्जी का जासूसी कांड पर वार, बोली मंत्रियों और जजों के फोन में डाला पेगासस, सरकार को प्लास्टर की जरूरत। बीएसएफ ने बकरीद के मौके पर भारत पाक और बांग्लादेश बॉर्डर पर बांटी मिठाइयां, एक दूसरे को दी त्योहार की बधाई। जबलपुर में पावर ट्रांसमिशन कंपनी और पावर ग्रिड के बीच उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित, कई निर्माण कार्यों में हुई संयुक्त समीक्षा। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी और पावर ग्रिड के बीच एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक जबलपुर में आयोजित की गई। देश में अपनी तरह से हुई इस पहली बैठक में मध्य प्रदेश में पावर ग्रिड के द्वारा ट्रांसमिशन क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की संयुक्त समीक्षा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आश्वस्त किया गया कि उससे कई हिस्सों में की लाइनें और उपकेंद्रों का निर्माण निर्धारित लक्ष्य अवधि से पहले पूरा किया जाएगा। बैठक में दोनों संस्थाओं के कार्यों के हर स्तर पर सामंजस्य बनाने पर भी सहमति बनाई गई। बैठक में दोनों संस्थानों के कार्यों में हर स्तर पर सामंजस्य बनाने पर सहमति हुई। साथ ही पावर ग्रिड और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की कई जगह लाइन क्रॉसिंग में आ रही दिक्कतों को दूर करने का एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया, जिसमें हॉट लाइन प्रणाली के माध्यम से बिना शटडाउन या न्यूनतम समय के शटडाउन में लाइन क्रॉसिंग के कार्य को पूरा किया जा सके। साल 2018 में मंदसौर में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में मंदसौर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल मंदसौर के हांदड़ी गांव की रहने वाली पीड़िता मई 2018 में अपने 10वीं के परीक्षा का रिजल्ट लेने जा रही थी। उसी दौरान दो युवकों ने उसका अपहरण कर मारुति वैन में तीन युवकों को सौंप दिया, जिसके बाद 3 दिन तक पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बलात्कार के बाद जैसे तैसे पीड़िता युवकों से बचकर मंदसौर के कोतवाली थाने में पहुंची थी, जहां से सीतामऊ थाने में मामले की सूचना दी गई। उस वक्त सीतामऊ के तत्कालीन TI KL डांगी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की विवेचना की। इस मामले में अभियोजना तैयार की गई, पैरवी के अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। मंदसौर कोर्ट ने 5 आरोपियों को नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का दोषी मानते हुए बचे हुए पूरे जीवन काल तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। बता दें कि यह मंदसौर का पहला मामला है जिसमें इस तरीके की सजा सुनाई गई है। थाना अधिकारी KL दांगी थे, उन्होंने भी अन्य 2 आरोपियों को पकड़ा और उसके आधार पर 3 अन्य आरोपियों को पकड़ा। कुल 5 आरोपियों पर जो है इसमें गैंग रेप का चार्ज लगा था और पास्को के अंतर्गत मुकदमा चला था। ये मामला का निस्तारण बहुत जल्द हो गया होता, लेकिन DNA रिपोर्ट बाद में आई, विलम्ब से आई, उसके पश्चात लॉकडाउन हो गया था, फिर बचाव साक्ष्य वगैरह पेश हुआ, इस कारण से जो है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने वाले लोकायुक्त ने अब जिला स्तर पर जाकर लोगों से शिकायतें लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उज्जैन लोकायुक्त अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने रतलाम आकर शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त किए। SP लोकायुक्त ने सर्किट हाउस रतलाम में कैंप लगाकर आम नागरिकों से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सुनी और आवेदन लिए। सर्किट हाउस पर शिविर के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए SP लोकायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शिविर में उन्हें 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत करने वालों में बुजुर्ग, महिला और छात्र भी शामिल हैं। SP लोकायुक्त ने बताया कि आज मिले आवेदनों में कई विभागों से संबंधित शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं। अब लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में आने वाली शिकायतों को देखकर उनकी जांच की जाएगी। खरगोन जिले की सेंचुरी मेल में क्रमिक अनशन चल रहा है। आपको बता दें कि क्रमिक अनशन पर बैठे मजदूरों का रोजगार खत्म होने के कारण रोजगार की लड़ाई लड़ते हुए करीब 4 साल हो चुके हैं।
परंतु मिल मालिक अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। वहीं हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, सैकड़ों परिवारों का रोजगार भी इस वक्त हाथ से निकल चुका है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मजदूरों ने दावा लगा रखा है। मजदूर संघ अध्यक्ष व नर्मदा बचाव आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर सहित सैकड़ों संघ मजदूरों के हक की लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है। जो परिवार बेरोजगार हुए हैं, अगर यही रवैया रहा तो आंदोलन और भी उग्र करने की चेतावनी भी दी जा रही है। हमारी रोजगार की मांग है। हमको यहाँ पे 29 जून को नोटिस लगाई थी और उसके बाद में हम 9 जुलाई को दिल्ली भवन भी गए थे बिरला मैनेजमेंट का, जहाँ बॉम्बे में ऑफिस है। तो वहाँ भी डालमिया जी ने हमको आश्वासन दिया था कि जो आपके श्रमिक जनता संघ है उसके अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे। इसके बाद में भी इन्होंने VRS की नोटिस लगा दी। और जब हम 25 फरवरी को हम लोग गए तो उन्होंने बोला कि आपको जो भी मांग रहेगी आपके बिना हम श्रमिक जनता संघ के जो सदस्य है, हमारे श्रमिक जनता संघ के सदस्य 800 के बहुसंख्या में सदस्य है हमारे, तो आपके साथ ही बात करेंगे। लेकिन आज वो डालमिया जी मुखर रहे। उन्होंने पहले मांग की थी कि आपको 1 रुपए में मिलता ही हम दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे। लेकिन आज वो मना कर रहे कि आपको हम ना ये मिल चलाएंगे ना कहीं देंगे। तो आज वो 4-5 लाख रुपये VRS दे रहे। तो हमको 4-5 लाख रुपये VRS नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, क्योंकि आगे की पीढ़ी के लिए हमारा भविष्य का जिंदगी का सवाल है। तो इसका बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। आज 1371वां दिन है जब ये सत्याग्रह आंदोलन केवल लॉकडाउन का नियम पालन करते हुए चल रहा है। आज ये सेंचुरी मिल्स के 1000 से अधिक श्रमिक और कर्मचारी, जिसमें श्रमिकों की संख्या मृत्यु वगैरह छोड़कर, रिटायरमेंट छोड़कर आज के रोज 910 है, तो इन सबको ये VRS देकर निकालना क्यों चाह रहे हैं, ये हमारा भी सवाल है। इनकी पहली बिक्री करी थी घाटे का सौदा बताकर, तो उस बिक्री को भी फर्जी घोषित किया गया ट्रिब्यूनल से, हाईकोर्ट से भी, तो उनको रद्द करनी पड़ी। इस वक्त मजदूर अनशन पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सैकड़ों संघ मजदूरों के साथ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मजदूरों के साथ जो भी हुआ है वो अन्याय है। इस क्षेत्र में प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए और मजदूरों की मदद करनी चाहिए। इस वक्त क्रमिक अनशन पर मजदूर बैठे हुए हैं। लगातार उनकी मांगे हैं कि उनको रोजगार देना चाहिए। भूख हड़ताल इस वक्त की जा रही है, साथ ही रोजगार एरिया और कानून न मानने के विरोध में इस वक्त इस तरीके से आंदोलन चल रहा है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में मजदूर इस वक्त इकट्ठा है। इन अनशन में आप देख सकते हैं कि पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि आगे उनको रोजगार दिया जाए। जिस प्रकार से उनको बिना नोटिस के नौकरियों से निकाल दिया गया है वे बेहद ही गलत है। इस पूरे मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए तथा मजदूरों की मदद करनी चाहिए। मंदसौर के भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB द्वारा पकड़े गए इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS के अधिकारी शशांक यादव के मामले में CBI जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश के नीमच की एल्को लाइड फैमिली फैक्ट्री के चीफ कंट्रोलर ऑफ फैक्ट्री तथा IRS अधिकारी शशांक यादव के कब्जे से एंटी करप्शन ब्यूरो ने 16,32,410 रुपए जब्त किए हैं। यह कार्यवाही शनिवार को की गई थी। यादव के पास से नीमच का अतिरिक्त प्रभार भी इस वक्त है। मीडिया में यह बात सामने आई है कि वह अपने अधीनस्थ सहयोगियों और एजेंटों के माध्यम से किसानों की अफीम में माफिन ज्यादा बताने के नाम पर मोटी राशि लगातार वसूल रहे थे। वहीं विधायक सिसोदिया ने कहा है कि यह मामला गंभीर है, इसकी जांच अगर CBI से की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। शशांक यादव, उन्होंने उनके सहयोगी ने जो खेल खेला है उसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोटा राजस्थान के हैंगिंग ब्रिज पर जिस प्रकार से धर दबोचा है, 17 जुलाई को सुबह 10:30 बजे डिब्बों में 16 लाख रुपए की नकदी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब्त की है, भ्रमित किया जाता है, जिस प्रकार से उनको प्रलोभन दिया जाता है और उनके पूरे रैकेट है, एक पूरा एजेंसी इनकी काम कर रही है नीचे से लेकर के फैक्ट्री तक, उसमें तो बड़े चौंकाने वाले मामले आए। उन्हें चौंकाने वाला मामला आया कि 6,000 किसानों से शशांक यादव और उनके सहयोगी 6 करोड़ रुपए 35 करोड़ रुपए की राशि 6,000 किसानों से एडवांस ले चुके थे।
इंदौर के बेतमा क्षेत्र के रावत गांव के पादरी समाज के साथ जमीन खरीद में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने कहा है कि 7 महीने पूर्व आरोपी भूरे खां को 2 बीघा जमीन 11 लाख रुपए बीघा में बेची गई थी, जिसमें सौदा होने पर आरोपी भूरे खां के द्वारा कुंदन सोलंकी को 6 लाख रुपए बकाया दिया जाना था और 3 महीने बाद रजिस्ट्री कराने और बाकी पैसे देने की बात कही गई थी, लेकिन जालसाज के द्वारा पारदी समाज के अनपढ़ लोगों का फायदा उठाकर एग्रीमेंट बनवाने में 10 लाख रुपए बीघा की लिखापढ़ी करवाकर धोखाधड़ी की गई और बहला फुसलाकर जमीन के ओरिजिनल पावती और रजिस्ट्री को भी अपने पास रख लिया गया, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने बेटमा थाना में आवेदन देकर मामले की शिकायत को दर्ज कराया है। तो इंदौर से ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक जालसाज ने पीड़ितों को छोटी रकम देकर उनके साथ धोखाधड़ी की है, साथ ही उनकी कई बीघा जमीन को भी हड़पने की कोशिश की है, जिसके बाद आज पीड़ितों ने बेटमा थाने में जाकर आवेदन देकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। हरदा के हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सोतनई लाई में पारिवारिक विवाद के चलते जीजा ने अपने साले को गोली मार दी और आरोपी जीजा राकेश शर्मा मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल अंकित दुबे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सोनत लाई में दीप्ति नाम की महिला ने बताया कि उसका पति राकेश छोटी छोटी बातों को लेकर उसके साथ मारपीट करता था, जिस पर पत्नी ने परिवारजनों के द्वारा पिता और भाई ने जीजा राकेश को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद आरोपी राकेश शर्मा ने तमंचा निकाल कर सबको धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने अंकित के दाहिने हाथ में गोली मार दी और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो हरदा से यह मामला सामने आया, जहां एक जीजा ने अपने साले पर गोली चला दी। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद के चलते यह पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी जीजा को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस की टीम को गठित किया गया है। लगातार पुलिस दबिश देकर आरोपी को पकड़ने की कवायद कर रही है। वहीं घायल को इस वक्त जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मेरी छोटी सिस्टर ने 100 डायल भी बहुत किया उसके नंबर से, मगर 100 डायल ने उठाया ही नहीं, और भी हमने फ़ोनों से अलग अलग भी किया तो भी नहीं उठाया उन्होंने। तो फिर हम हंडिया उनको लेके आए, हंडिया हॉस्पिटल में उनका इलाज चला और वहाँ से इन्होंने हरदा। भोपाल में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान इस वक्त पूरी तरह से ठप हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोवैक्सीन का एक डोज लगवा चुके हैं और दूसरे डोज के निर्धारित समय को भी 1 महीना और 2 महीना बीत चुका है, लेकिन दूसरा डोज उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है। इस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच में प्रदेश की जनता की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने और क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश में सरकार की लापरवाही से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह ठप्प पड़ गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। केवल 5% लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग सके हैं और वैक्सीन की भारी कमी है। कोवैक्सीन का तो पिछले 15 दिनों से कहीं अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोवैक्सीन का एक डोज लगवा चुके हैं और 1-2 महीना भी बीत गए हैं और दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है। ये पूरी तरह सरकार की लापरवाही है। इस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच में प्रदेश की जनता की जान जोखिम में डाली जा रही है। सरकार को केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना चाहिए। सरकार की ये लापरवाही जनता पर भारी। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि सीएम की अध्यक्षता में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर समीक्षा की गई। प्रदेश में कोरोना की स्थिति फिलहाल ठीक है। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय सिंह जासूसी ना करे, सिर्फ काम करे। उन्होंने अपनी पार्टी की चिंता भी की है, साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। जी की अध्यक्षता में तीसरी वेव की तैयारी की समीक्षा की गई, क्योंकि 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की और खासकर वो 6 राज्य जहां लगातार कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उन पर विशेष प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की।
उनमें से कुछ राज्य की सीमा हमारे राज्य से भी जुड़ती है, तो निश्चित रूप से वो राज्य जहां बहुत तेजी से अभी भी कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हमारे जिलों में हमें एहतियात बरतना ही है। पिछली बार भी सेकंड वेव में देखा कि महाराष्ट्र से जो हमारे ज़िले जुड़े थे उसमें पहले हमें केसेस देखने को मिले थे। ये भी सही है कि अभी मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। अब दिग्विजय सिंह जी यदि अपने आप को करमचंद प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, जासूसी नहीं करें वो, बल्कि राजनीति करें और सेवा करें। ये दिव्य ज्ञान दिग्विजय सिंह जी को इसलिए मिलता रहता है कि वो आपकी चैनल की सुर्खियां बन जाएं। उस पर ज्यादा चिंता मत करिए और ना ज्यादा उसको डिस्कस करिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को यदि चिंता करनी चाहिए तो अपनी, अपने परिवार और अपनी कांग्रेस पार्टी की करनी चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी जो अपना प्रदेश अध्यक्ष सही से नहीं बना पा रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना सही से नहीं बना पा रही, वो भारतीय जनता पार्टी में ताका झांकी ना करे। दिग्विजय सिंह जी की आदत हो गई है कि वो ताका झांकी कर रहे हैं और उनकी इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया जाए तो ही उचित होगा। एक तरफ कोरोना के बाद शिवराज सरकार स्कूलों को पुनः शुरू करने की बात कह रही है तो वहीं दूसरी ओर कई स्कूल इस वक्त जर्जर हालत में हैं और गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसा ही स्कूल है मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा के कोटड़ा बुजुर्ग में, जहां प्राथमिक विद्यालय की दीवार 2019 में हुई तेज बारिश के कारण अचानक से गिर गई थी। स्कूल की दीवार के गिरने के बाद स्कूल प्रिंसिपल मंजू मेघवाल के द्वारा इसकी सूचना एसडीएम, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व विधायक सहित अन्य अधिकारियों को भी दी गई, पर किसी जिम्मेदार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि गांव के सैकड़ों बच्चे इस जर्जर हो चुके स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई भी संज्ञान इस पूरे मामले में नहीं लिया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको जर्जर स्कूल की दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से पूरा स्कूल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, परंतु प्रशासन की तरफ से घोर लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि प्रधानाध्यापक के द्वारा लगातार संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई, बावजूद इसके मामले में प्रशासन की ओर से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। ये प्राथमिक विद्यालय कोटला बुजुर्ग की बिल्डिंग लगभग 1960-61 में बनी हुई है, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसकी एक दीवार पश्चिम दिशा की ओर की गिरी हुई है, जहां मतदान केंद्र भी हैं एवं बच्चों के लिए ये बिल्डिंग खतरा बनी हुई है। इस विषय में ग्राम पंचायत द्वारा एवं प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षा विभाग को एवं माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया गया है, पत्र दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश सरकार ने रात्रि कर्फ्यू के समय अवधि को भी फिलहाल कम कर दिया है। सिनेमाघर से लेकर बाजार तक पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। वहीं अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सहित आस्था के केंद्र में 100 से अधिक लोगों के पूजा अर्चना की मांग की है। दरअसल कांग्रेस ने सोमवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सीएम हाउस में सौंपा है। प्रदेश प्रवक्ता मुनव्वर कौसर ने कहा कि सभी आस्था के केंद्रों पर 100 से अधिक लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये धार्मिक स्थान है, इनको भी खोला जाए और इनके अंदर भी 100 से ज्यादा लोगों को इबादत करने की, पूजा करने की, आराधना करने की इजाजत दी जाए। और ईद का पवित्र त्यौहार आ रहा है, मध्य प्रदेश की सभी ईदगाहों को पे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में आप कई जगह देख लीजिए, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों की इजाज़त दी गई है, तो फिर मस्जिदों में और मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।